योग हमारी सेहत के लिए काफ़ी ज़रूरी है। वो हमारे शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली होता है। वहीं हम आपको कुछ ऐसे योगा आसन के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे आपका लिवर काफ़ी तंदुरुस्त रहेगा। लिवर शरीर का एक बड़ा अंग है जिसका आकार फुटबॉल के बराबर होता है। लिवर शरीर में खाना पचाने से लेकर बॉडी से विपास पदार्थों को बाहर निकालने तक में मदद करता है। लिवर खराब होने से व्यक्ति को कैंसर, सिरोसिस, फैटी लिवर इत्यादि दिक्कतें होती हैं। वहीं हम आपको कुछ ऐसे योगासन के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे आपको ना फैटी लिवर की प्रॉब्लम होगी और जिनको है उनकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अभी जो मैंने आपको तीन आसन करके दिखाए हैं, जैसे कि जानुशीर्ष आसन, हलासन और अर्धमसेन आसन, ये तीनों ही आसन के अनेक लाभ हैं। लेकिन मुख्यतः अगर हम लीवर के संबंधित इसके लाभ की चर्चा करें तो इन तीनों का प्रभाव जो है लीवर पे पड़ता है, यानी कि एक मसाजिंग इफेक्ट इन तीनों का जो होता है लीवर पे पड़ता है, जिससे एक तरीके से एक्सरसाइज मिलती है लीवर को, एक दबाव सा बनता है और लीवर की जो कार्य क्षमता होती है वो बढ़ने लगती है। लीवर यानी कि जो कि बाइल को प्रोड्यूस करता है और बाइल जो कि प्रोटीन को पचाने में सहायक है, तो क्योंकि ये इन तीनों आसन से लीवर प्रभावित होता है जिससे जो इसके रस है बाइल है वो उसकी जो समुचित मात्रा है वो जो है उसका स्राव होने लगता है, जिससे पाचन शक्ति दुरुस्त होने लगती है और स्वास्थ्य लाभ होता है। अर्धमसेन आसन करने के लिए सबसे पहले प्रारंभिक स्थिति में आते हैं, यानी कि आपके दोनों पैर सामने की तरफ आएंगे, कमर एकदम सीधी रहेगी, हथेलियाँ आपके बगल पर रहेंगी। फिर आपको एक नी को बेंड करना है घुटने को और एक पैर को, एक फुट को जो है दूसरे पैर की थाई के नीचे ले जाना है। फिर दूसरे आपको नी को बेंड करना है और जो आपका दूसरा पैर है, फुट है, उसको आपको घुटने के बगल में रखना है। हथेलियाँ आपके हिप्स पे के बगल में रहेंगी। सांस लेते हुए आपको अपोजिट हैंड को ऊपर उठाना है, यानी कि अगर आपकी लेफ्ट नी 90 डिग्री पे है तो राइट हैंड को आपको ऊपर ले जाना है और सांस छोड़ते हुए स्पाइन को ट्विस्ट करते हुए आपको नी के बाहर से अपने शोल्डर को निकालना है और अपने लेफ्ट फुट को पकड़ना है। अभ्यास के लिए जो प्रारंभिक स्थिति है वह है कमर के बल लेटना, यानी कि आप कमर के बल लेट जाएंगे और दोनों हथेलियाँ जो हैं आपकी थाइस के बगल में रहेंगी। फिर सांस लेते हुए आपको अपने पैरों को ऊपर आसमान की तरफ ले जाना है, छत की तरफ, और थोड़ा सा पुश करते हुए अपने पैरों को सर के पीछे ज़मीन की तरफ लगाने का प्रयास करना है। दोनों जो भुजाएं हैं वो आपकी समानांतर आप रख सकते हैं। अगर समानांतर रखने में आपको समस्या हो रही है, यानी कि ज़मीन में समानांतर रहेंगी, तो आप अपनी जो फिंगर्स हैं उंगलियाँ हैं उन्हें आप इंटरलॉक भी कर सकते हैं। जानुशीर्ष आसन के लिए जो प्रारंभिक स्थिति है वो बैठने की स्थिति होती है, यानी कि आपके दोनों पैर जो है सामने की तरफ रहेंगे, दोनों पैर मिले हुए, हथेलियाँ आपके हिप्स के बगल पर रहते हैं और कमर एकदम सीधी। अब आपको जिस तरफ से जानुशीर्ष आसन करना है, यानी कि आपको बाईं तरफ से करना है, तो अपनी जो लेफ्ट नी है उसे आप बेंड कर देंगे और हील को आप ग्रोइन वाले हिस्से पर लगाएंगे ताकि घुटना आपका या तो 90 डिग्री पर हो जाए और या फिर 90 डिग्री से ज़्यादा आ जाए। अगर हम बाईं तरफ को लें तो बाईं तरफ में आपकी जो नी है लेफ्ट 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगी, राइट लेग आपका सीधे रहेगा। नाभि को हमें सामने रखने की कोशिश करनी है, कमर को सीधे रखने की कोशिश करनी है जितना आप सीधा रख सकें, और फिर सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है। हालांकि इसकी अलग अलग वर्जन्स हैं तो अपनी सुविधा अनुसार आप इसकी वर्जन्स अप्लाई कर सकते हैं। सांस छोड़ते हुए आगे जाएंगे, अगर आप इंटरलॉक करते हुए उंगलियों को पैर को पकड़ सकते हैं तो इस तरह से कर लेंगे और अपने चिन को घुटने से आगे लगाने का प्रयास करना है। उत्तराखंड ऋषिकेश से ईशा बिरोरिया, लोकल 18 के लिए।